हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कल आपका लेक्चर नहीं पढ़ पाया था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी उसमें। ठीक है, रिकॉर्ड हुआ था, बस अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए थे कुछ। ठीक है, डाले हैं 20 क्वेश्चन, उसमें पढ़ा है 20 क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगर उसमें समझ में आ रहा है तो उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अगर उसमें समझने में कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर करेंगे, जो न्यूमेरिकल बेस रहेंगे उसको हम व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एमसीक्यू में वही उठाएंगे जो आपको हम पढ़ा दिए हैं, और वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी केवल हम 20 क्वेश्चन ला रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका 50 रहेगा, फिर अगले 50 भी रहेगा, तो कम से कम 50-50 का सेट बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में हमने डिजाइन को देख लिया था, किस प्रकार से स्ट्रेस होता है, सेफ्टी फैक्टर के बारे में भी देखा। अर्थात हमने ये समझा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में हमने इंट्रोडक्शन अभी दिया, बस केवल इंट्रोडक्शन। आप समझिए कि हमने केवल अभी इनका इंट्रोडक्शन लिया है, अभी आगे हम कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, अभी हम आपको सिर्फ बताए हैं कि क्या कैसे निकलेगा। अब हम लिमिट स्टेट में भी आपको उतना ही बताएंगे जितना आप वर्किंग में पढ़े हो, फिर दोनों को जब बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ चलते चलेंगे, और वो आपको आसानी से समझते हुए आता रहेगा। ऐसे में क्या है कि कुछ जो मेंस के क्वेश्चन है वो लिमिट स्टेट से सॉल्व हुए हैं, जो प्री के क्वेश्चन है वो वर्किंग स्टेट से और लिमिट स्टेट से दोनों से मिला के सॉल्व हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, प्री और मेंस के लिए दोनों के हो जाएंगे इसी में। ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिकल आपका फंस रहा है तो न्यूमेरिकल आप कभी भी स्वतंत्र हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ पर उठा के दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो जितना हम वर्किंग में पढ़े थे उतना ही हम लिमिट में भी देखेंगे, और फिर दोनों को हम साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड को किस आईएस कोड के अंतर्गत रखा गया है? तो मेथड ऑफ डिजाइन में आपने देखा होगा कुछ, पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड आया। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने उसकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखा, अर्थात उसकी मजबूती को हमने ध्यान में रखा, जबकि उसमें होने वाले क्रैक्स को ध्यान में नहीं रखा। देखो, फिर वर्किंग स्ट्रेस में हमने देखा था कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा थे, जिसके कारण यहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर काफी बड़ा हो गया था। ठीक है, स्ट्रक्चर बड़ा होने का एक और कारण था क्योंकि इन्होंने स्ट्रेस को लेकर के वर्किंग लोड के आधार पर डिजाइन किया था। किसके आधार पर? वर्किंग लोड के आधार पर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिजाइन वर्किंग लोड के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? वर्किंग लोड के आधार पर किया गया था, जबकि वर्किंग लोड का मान बहुत ही कम होता है उसके अल्टीमेट लोड से। वर्किंग लोड का मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ से। जैसे हम अगर कंक्रीट की बात कर लेते हैं तो M15 की अगर हमने बात किया तो हमने कहा ये इसका हो गया क्या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसका क्या हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और जब हमने वर्किंग स्ट्रेस की बात किया तो हम कहेंगे क्या, इसको अब बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देते थे। ठीक है, अब याद आता है कितना, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमने कहा कि वर्किंग स्ट्रेस के आधार पर सॉल्व किया गया या वर्किंग लोड के आधार पर सॉल्व किया गया। ठीक है, तो अल्टीमेट और वर्किंग, यहाँ पर हम दिखाने का मतलब हमारा ये है कि अल्टीमेट और वर्किंग में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता था। जब डिफरेंस बहुत ज्यादा होता था तो हम कहते थे कि मटेरियल वहां पर ज्यादा लग जाता था, और जब मटेरियल वहां पर ज्यादा लग जाता था तो वही हमारा वर्किंग क्या होता था, इकोनॉमिकल हो जाता था। मतलब क्लियर हुआ? ठीक है, यही रीजन था कि सेक्शन आपका क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। अब हम देखेंगे उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया, ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड। उसके बाद क्या आया, अल्टीमेट लोड मेथड। ये प्रीवियस में आपका प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आपका बनाया गया, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा दोहरा रहे हैं, पूरा नहीं, बस आगे बढ़ेंगे। तो अल्टीमेट लोड मेथड में क्या देखा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वर्किंग लोड को बेस मानते हुए डिजाइन किया गया। ठीक है, जो भी फैक्टर लगाया था वो फैक्टर हमने स्ट्रेस में गुणा कराया था,
जो भी फैक्टर लगा था वो हमारा कहाँ पर गुणा हुआ था, स्ट्रेस में हुआ था, ठीक है, वो हमारा कहाँ पर हुआ था, स्ट्रेस में हुआ, क्लियर हो। ये जो एम हमारा मॉडुलर रेशियो लग रहा है, ये एक प्रकार से क्या है, फैक्टर है, एक प्रकार से क्या है, फैक्टर है। ये फैक्टर का कार्य क्या होता है, अब हम लिमिट स्टेट में अच्छे से समझ में आएगा कि फैक्टर का महत्व तो क्या है, क्लियर हो भाई। बिल्कुल कह सकते हो कि इन दोनों को हमने बराबर करने के लिए लगाया था, ठीक है, वो वर्किंग स्ट्रेस की बात है। लिमिट स्टेट में हम एक्चुअल में देखें कि वहां पर हमने कुछ क्या आने वाले लेकर के आपको समझाया था, उसके बाद अलग, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड मेथड हमने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ लोड फैक्टर के आधार पर इसको सॉल्व किया गया। लोड फैक्टर क्या होता है, तो हम कहेंगे कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड, या अधिकतम इस पर आने वाला लोड जिस पे ये फेल कर जाए, अर्थात फेलियर लोड। हम किसकी बात करेंगे, फेलियर लोड की बात कर देंगे, अल्टीमेट लोड की हम बात कर देंगे, फेलियर स्ट्रेंथ की बात कर देंगे, ठीक है। फेलियर लोड अपॉन वर्किंग लोड, इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोड फैक्टर कहते हैं। ये भी आप वहां पर लिखे हो, क्लियर हो यहां से। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो अल्टीमेट लोड मेथड था, जो अल्टीमेट लोड मेथड था उसमें हमने क्या देखा कि सिर्फ सर्विस बिल्टी को ध्यान में रखा और वहां पर, ठीक है, वहां पर हमने उसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया, क्लियर हो। क्योंकि पहले वाले में क्रैक्स हुआ था, दूसरे वाले हमने कहा क्रैक्स नहीं होगा, और उसी क्रैक्स को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेंथ को भूल गए। तो अब तीसरा जब आया, जब तीसरा आया लिमिट स्टेट मेथड, तो उसने क्या कहा कि हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। वो ज्यादा समझदार था, उन्होंने कहा कि हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे, अर्थात कोलेप्सिबिलिटी को ध्यान में रखेंगे और सर्विसबिलिटी को भी ध्यान में रखेंगे। ये कोलेप्सिबिलिटी और सर्विसबिलिटी है क्या, कोलेप्सिबिलिटी और सर्विसबिलिटी है क्या? तो अगर कोलेप्सिबिलिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे, सिंपल भाषा में आप समझिए कि एक हमारे पास स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, बना दिया इसे। अब इस पर हमने लोड लगाया, हमने क्या किया, इस पर लोड लगाया, हमारे पास मान लेते हैं बीम है, बीम है, इस बीम पर हमने लोड लगाया। अब लोड के बाद इसमें शियरिंग भी जनरेट होगा, बेंडिंग भी होगा, पता भाई होगा। हमने कॉलम बनाया, इस कॉलम पर एक्सियल लोड दिया है, अर्थात एक कंप्रेस भी होगा, क्यों होगा। तो ये सब जो फेल हो रहा है, अच्छा ये जितने भी लोड आ रहे हैं, जितने भी स्ट्रेसेस यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, चाहे वो बेंडिंग स्ट्रेस हो जाए, चाहे वो बेंडिंग स्ट्रेस हो जाए, चाहे वो कंप्रेशन स्ट्रेस हो जाए, ठीक है, और चाहे वो शियरिंग स्ट्रेस हो जाए, इन सभी स्ट्रेस के कारण यह मेंबर फेल करेगा कि नहीं करेगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या शियरिंग, टॉर्जन, बेंडिंग, एक्सियल कंप्रेसिव या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को, ठीक है, रेजिस्ट करने के, या हम कहेंगे कि स्ट्रेसेस को या आने वाले स्ट्रेसेस को बिना फेल किए बियर कर ले। अर्थात हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया और उस पर आने वाला शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जन स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये सभी स्ट्रेस क्या हो रहे हैं, निगलेक्ट हो जा रहा है। अर्थात ये सभी स्ट्रेस आ तो जरूर रहा है, लेकिन ये सेक्शन हमारा फेल नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे ये इसकी कोलेप्सिबिलिटी को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात कोलेप्स है हमारा, ठीक है। कोलेप्स का मतलब क्या, कि वो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, भैया इनकी स्ट्रेंथ कितना है, ना तो कटेगा, ना तो मुड़ेगा, ना तो दबेगा, ना तो बेंड होगा, क्लियर, ये इसकी स्ट्रेंथ है कि नहीं यहाँ पर स्ट्रेंथ। अब सर्विसबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, तो सर्विसबिलिटी में हम क्या क्या देखते हैं, हम कहेंगे क्या कि ये बीम है, जब बीम में डिफ्लेक्ट होगा, कुछ इस प्रकार से बेंड होगा, तो हम कहेंगे कि इसमें डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अगर ये डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ तो कंक्रीट के टेंसाइल जोन में क्रैकिंग जनरेट होगा, क्लियर हो, अब हम बता रहे हैं, आगे दिखा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई धरण है और ये धरण हमारा कुछ ही कर रहा है, बेंड हो रहा है। अच्छा बेंड हो रहा है तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल जोन, जब टेंसाइल जोन के नीचे हम जाकर देखें तो वहां पर, ठीक है, नंबर ऑफ क्रैक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जब नंबर ऑफ क्रैक्स देखने को मिल जाते हैं तो बता भाई, जब किसी सेक्शन में क्रैक्स हो गया तो क्या वह सेक्शन सेफ रहेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, क्रैक्स हुआ तो यहाँ पर कुछ नमी एकत्रित होगा, वो भी टेंसाइल जोन में है, नमी एकत्रित होगा और वो नमी टेंसाइल जोन में पड़ी रेनफोर्समेंट स्टील को क्या करेगा, संक्षारित कर देगा, ठीक है। और ऐसे केस में जब स्टील रेनफोर्समेंट यहाँ पर संक्षारित हो गया, क्या सेक्शन सेफ रहेगा, बिल्कुल नहीं, सेक्शन आपका क्या हुआ, फिर करेगा,
तो हमने क्या देखा, क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन दोनों हमने देखे। फिर मान लीजिए ये धड़ हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया है, इसके ऊपर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया है, इसके ऊपर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया है इस प्रकार से। अब देखो हम क्या रहे हैं कि इनके बीच में कुछ गैप आ जा रहा है, यहाँ पर हमने कोई मशीन लगा दिया है। अब बता भाई इस मशीन के लिए क्या बेस बन पाएगा, पहले तुम्हारा ऐसे होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे ये हमारा क्या होगा, सेफ रहेगा। हमारे लिए छत ही डाल देते हैं, छत, ये छत है, स्लैब है और ये हमारा बीम है। हम कुछ देख रहे हैं बीम में बेंडिंग कुछ प्रकार से हुआ, अब ये क्या है स्लैब आपका सेफ रहेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्लैब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेल कर जाएगा, क्योंकि स्लैब भी यहाँ से क्या करेगा नीचे की ओर दबेगा, जैसे नीचे की ओर दबेगा ऊपर तुरंत क्या होगा कंप्रेशन फेलियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हाँ चेक करेंगे इसको हम, तो हम कहेंगे कंक्रीट में क्या होता है ऊपर कंप्रेशन जोन में, ठीक है, जब बहुत ज्यादा बेंडिंग हो जाता है तो ऊपर क्या होता है कोलैप्स कर जाता है, हम कहेंगे क्या कंक्रीट वहां पर टूटने लगता है, क्लियर हो वहां से, ठीक है। तो क्रैकिंग को हमने देखा, डिफ्लेक्शन को हमने देखा, क्लियर हो। अब हम किसकी बात करेंगे, यही आपका मेन होता है, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, तो हम कहेंगे अगर वाइब्रेशन हो रहा है स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो वो भी हमारा सर्विसबिलिटी के अंतर्गत लिया जाता है। किसके अंतर्गत लिया जाएगा, सर्विसबिलिटी के अंतर्गत लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो सर्विसबिलिटी है, जो सर्विसबिलिटी है जिसमें क्रैकिंग हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, इन तीनों की हम करते हैं चेकिंग, इन दोनों हम क्या करते हैं चेकिंग, जबकि कोलैप्सिबिलिटी को हम करते हैं क्या डिजाइन। कोलैप्सिबिलिटी के अंतर्गत लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स के अंतर्गत हम सामान्यतः मेंबर की डिजाइन करते हैं, जबकि लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसबिलिटी के अंतर्गत हम सामान्यतः मेंबर की चेकिंग करते हैं, क्लियर हुआ। अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ, ठीक है, डिजाइन। हम यहाँ पर क्या है आज थोड़ा सा हम केवल इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, ठीक है, या जहाँ तक हम चल पाएंगे लेकर चल पाएंगे, टाइम वही टाइम का बाउंडेशन रहता है, ठीक है, तो हम उतना आपको लेकर चलेंगे। चलिए देख रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड IS कोड 456/2000 के अंतर्गत लिया जाता है। भारत सरकार ने जो मान्यता किया है IS कोड 456/2000 के अनुसार ही लिमिट स्टेट को ही लेता है, अर्थात हम कहेंगे क्या कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिजाइन, ठीक है, भारत सरकार हमें मान्य नहीं करती है, ये सब क्या है सिर्फ बच्चों के बेस बनाने के लिए है, लेकिन आपके जे में पी में क्वेश्चन तो पूछता है, इसलिए हम वर्किंग स्ट्रेस को भी पढ़ते हैं, क्लियर हुआ। लेकिन जितने भी डिजाइन किए जाते हैं वो सब किसके आधार पर किए जाते हैं, IS कोड 456/2000 के अनुसार लिए जाते हैं, क्यों, इकोनॉमिकल होता है, क्या होता है इकोनॉमिकल होता है, इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट, वो हमने मेथड ऑफ डिजाइन में देखा है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भारत सरकार, हाँ क्वेश्चन यहीं से बन गया, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट, हमने कहा कि IS को 456/2000 के अनुसार ही किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर का डिजाइन किया जाता है, क्लियर हो, और यह डिजाइन सामान्यतः लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार किया जाता है, क्लियर हो। लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार क्यों करते हैं, क्योंकि यह इकोनॉमिकल होता है, सेक्शन आपका स्मॉल होता है, छोटा होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं जनरेट होती, क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। अब ये जो लिमिट स्टेट मेथड है यह सामान्यतः दो भागों में हम पढ़ते हैं, पहले हम क्या पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड या लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा हम देखेंगे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, सर्विसबिलिटी, और इसमें आपका क्या होगा पहले फ्लेक्चर, ये फ्लेक्चर क्या होता है बेंडिंग, फ्लेक्चर क्या होता है आपका बेंडिंग, ठीक है। इसके लिए सामान्यता लाइन में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रैप्चर स्ट्रेंथ, उसके बाद सीमेंट में भी आपने पढ़ा होगा, आरसीसी में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो बीम होती है इस बीम पर जब लोड पड़ता है ये बीम बेंड होती है और नीचे क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेस, तो फ्लेक्चर का मतलब ये हुआ कि यदि कोई मेंबर
बेंड होने के बाद यदि उसमें कोई भी टेंसाइल जोन एकत्र जनरेट हो रहा है तो ये हमारा किसको दर्शाएगा, फ्लेक्सर को दर्शाता है, अर्थात इसी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपका रेप्चर स्ट्रेंथ भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी लिखा रहता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है। क्लियर हो? हमने वहाँ पर जो लाइन आपको दिखाया था क्या कि एक हम बीम बनाते हैं और इस पर हम कुछ लोड इस प्रकार से लगाते हैं तो ऊपर क्या होता है, ठीक है, क्रैकिंग जनरेट होती है। अगर आपको देखना है देख सकते हो, ठीक है, ठंडियों के समय में, जाड़े के समय में आप देखिए कि जब आप जलाते हैं, जलाने तापने के लिए अलावा जलाते हैं तो वहाँ पर लकड़ी तोड़ के रखने पड़ता है। तो आप देखिए एक लकड़ी उठाइएगा इसे और उसको कुछ इस प्रकार से बेंड कराइएगा, उसको कुछ इस प्रकार से बेंड कराइएगा। जब बेंड कराएंगे देखेंगे इधर आपका टेंशन हो रहा है, इधर हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन। जब टेंशन होगा तो ये यहाँ से ना टूट कर, जहाज मान लीजिए आप यहाँ से तोड़ रहे हो, यहाँ से ना टूट कर ये कुछ यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एक लेयर अलग होगा। पहले ये क्या होगा, लेयर अलग होगा। तो जिस लोड पर ये लेयर, या हम कहेंगे जिस लोड पर ये क्रैकिंग जनरेट हो रहा है उसी को कहते हैं क्या, उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, सेक्शन पर लोड लगाया और लोड लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि टेंसाइल जोन में जैसे ही कोई भी एक क्रैकिंग आ गया, ठीक है, हम कहेंगे तुरंत क्या किया, फेल किया। हम कहेंगे लोड लगाया जाए लेकिन टेंसाइल जोन में क्रैकिंग जनरेट ना हो, या क्रैकिंग जनरेट होने वाली हो तो उसी स्ट्रेंथ को क्या कहेंगे, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स में फ्लेक्सुरल की बात करेंगे और इसके अंतर्गत सामान्यता बीम, स्लैब, लिंटल, ठीक है, कंटिन्यूअर बीम से हो जाएगा, कंटिन्यूअर बीम भी इसमें हो जाएगा, डबल रैंपर्ड बीम भी इसमें हो जाएगा, ठीक है, टी बीम भी इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा किसके अंदर हो जाएगा, फ्लेक्सुरल, अर्थात वह मेंबर जिसमें बेंडिंग हो रहा हो वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लेक्सुरल। फुटिंग की हम बात कर लेते हैं, फुटिंग हमने बात किया, ये हमारे पास फुटिंग है, जैसे ही लोड पड़ा ये भाई साहब तुरंत क्या हुए ऊपर की ओर बेंड कर गए, क्या यहाँ पर फ्लेक्सुरल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अर्थात फुटिंग भी आपका इसके अंतर्गत आ सकता है। फिर आगे हम देखेंगे, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में फ्लेक्सुरल हुआ, फिर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हमारा क्या होगा, सीयर, ठीक है, सीयर भी होगा और इसको हम सीयर स्ट्रेस भी कह सकते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं, इसको भाई ये फ्लेक्सुरल को। सीयर स्ट्रेस क्या होता है, सीयर स्ट्रेस क्या होता है, हमने कहा सेक्शन हमारे पास यहाँ पर है, ये धरन है, यहाँ पर हमने सपोर्ट लगाया, जब ये धरन इस पर रखा गया तो यहाँ से क्या करता है, कटने का प्रयास करता है, ठीक है। लौकी ले लीजिए, एक लौकी ले लीजिए, उसको मान लीजिए हमारे पास क्या है, बीम है, दो नाइफ लीजिए, चाकू लीजिए और ऐसे रख करके ऊपर से लोड लगाइए, देखेंगे तो जहां पर सपोर्ट रखा गया है वहां से लौकी कटना स्टार्ट कर देता है, अर्थात वहां पर सीयरिंग जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक अलग से लेसन है वो हम आपको वहां पर दिखाएंगे, ठीक है। तो सीयर फ्लेक्सुरल, उसके बाद क्या होता है, फिर हम कहेंगे टॉर्जन, फिर हमारा क्या होता है, टॉर्जन। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किसमें, टॉर्जन में हम देखेंगे, फिर कंप्रेशन, फिर हम जिसके में बात करेंगे हम कंप्रेशन। ये कंप्रेशन में क्या क्या होता है, हम कहेंगे कॉलम और फुटिंग, ये दोनों कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होते हैं। टॉर्जन के कारण बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर कपल क्या करता हो, मोमेंट क्या करता हो, कपल मोमेंट क्या करता हो या कपल क्या करता हो, ठीक है, या दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में परंतु इक्वल मैग्नेट रोटर का स्थान पर कार्य करेंगे तो भी मान क्या होगा, टॉर्जन। आपने सो में पढ़ा होगा अच्छे से, क्लियर हुआ। ये सामान्यतः स्लैब वाले में दिया जाता है, क्लियर हुआ। जब कोने पे आयतन स्टार्ट होती है, कोने पे क्या होता है, आयतन स्टार्ट होती है तो वहां पर हमारा क्या होता है, टॉर्जन हो जाता है, क्लियर हुआ। फिर हमारा एक्सियल स्ट्रेस भी लिया जाता है, अर्थात एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस भी इसी में देखेंगे। ये एक्सियल स्ट्रेस क्या है, हमने कहा ये हमारे पास कॉलम था और इसी कॉलम पे हमने एक फोर्स लगा दिया जिसके कारण हमें एक्सियल स्ट्रेस देखने को मिल जाता है, मुताबिक है। तो ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे भाई, हम कोलैप्स के अंदर पढ़ेंगे लिमिट स्टेट में थोड़ा कोलैप्स, और डिजाइन हम सेक्शन का इसी में करते हैं, इसी में डिजाइन करेंगे। इन सब का अलग अलग लेसन है, ठीक है, इसमें आपको तीन से चार लेसन पढ़ना है, मतलब लेसन नहीं है, तमाम से पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉर्जन भी है, कंप्रेशन भी है, एक्सेल है, ये दोनों आपका एक ही में हो जाता है,
ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि कोलैप्स में फ्लेक्सर देखेंगे, शियर देखेंगे, टॉर्शन देखेंगे, कंप्रेशन देखेंगे और एक्सियल स्ट्रेसेस को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्लियर हुआ? अर्थात यदि किसी मेंबर पर कोई भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा हो, यदि किसी मेंबर पर कोई भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा हो और उस स्ट्रेस को बियर करने के लिए यदि कोई मेंबर सक्षम है तो हम कहेंगे कि ये सिर्फ कोलेक्सिबिलिटी को प्रदर्शित करता है। किसको? कोलेक्सिबिलिटी को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया आप? ठीक है, मतलब कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लगे, स्ट्रेस लोड, ठीक है, किसी भी प्रकार का लगे और ये उस लोड को बिना फेर के बियर कर ले, वह उसकी क्या कहलाती है? कोलेक्सिबिलिटी कहलाती है। बताओ क्लियर होगा? अब हम बात करते हैं सर्विसबिलिटी की। हम किसकी बात करेंगे? सर्विसबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। और इस सर्विसबिलिटी के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं? ठीक है, सर्विसबिलिटी के अंतर्गत समानता हम क्रैकिंग की बात करते हैं। ये क्रैकिंग क्या होता है? ठीक है, क्रैकिंग का पार्ट थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास एक बीम है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये बीम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रकार से बीम है। ठीक है, यहाँ पर ये से बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है, यहाँ पर सपोर्ट लगाया गया है। जब इस पर लोड लगाया गया तो बेंडिंग होगा और ये बेंडिंग हमारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, ये बेंडिंग हमारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारा क्या होता है? टेंसाइल जोन, जबकि इसके ऊपर हमारा क्या होता है? कंप्रेसिव जोन। बता भाई, क्लियर हो? अब इसी टेंसाइल जोन में हम क्या डाल देते हैं? स्टील। इसी टेंसाइल जोन में हम क्या डाल देते हैं? स्टील डाल देते हैं। यहाँ पर हमने स्टील डाल दिया। हम जानते हैं कि कंक्रीट टेंशन में फेल कर जाती है या कंक्रीट किसी भी टेंसाइल स्ट्रेस को बियर नहीं करती। अर्थात टेंसाइल स्ट्रेस को जहां पर बियर करने की बात आती है वहां पर हम कहेंगे कि कंक्रीट वहां से मुक्त हो जाता है और सारा टेंशन किसके ऊपर आ जाता है? स्टील के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जैसे दो लोग होते हैं, अगर मुसीबत पड़ी तो एक तुरंत गायब, अब एक क्या करेगा? पूरा झेलेगा। तो चीज यहाँ पर भी है कि जब टेंसाइल स्ट्रेस की बात आती है, जब टेंशन फोर्स की बात आती है तो वहां पर कंक्रीट गायब हो जाता है और उसको कौन झेलता है? स्टील। ठीक है, लेकिन क्या कुछ भी नहीं झेलेगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ होती है। और क्या होती है? तो हम जानते हैं 0.7 FC के, अर्थात फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। मान क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर वहां पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हम क्या कहते हैं? प्रकार से टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो हम कहेंगे कंक्रीट की कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कुछ ना कुछ होती है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर हम, ठीक है, निगलेक्ट कर देते हैं, अर्थात इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर हुआ भाई? है तो तुम्हारे साथ ही, भले भाग गया है लेकिन फिर तो तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं तो साथ देगा ही। तो ये चीज यहाँ पर भी है कि इसकी स्ट्रेंथ होती जरूर है लेकिन हम यहाँ पर लेते नहीं है, उसको हम क्या करते हैं? ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, कंक्रीट टेंशन में, ठीक है, हमने कहा कि टेंसाइल स्ट्रेस को बियर नहीं करता है, तो ऐसे केसों में यहाँ पर छोटे छोटे क्रैक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे क्रैक्स देखने को क्या कहते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है, अभी जो क्रैक्स है आपको सीयर जोन पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको अच्छे से दिखाएंगे, तो क्या आप यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत अच्छा है, वहां पर जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्रैक्स होता है भाई, जाहिर सी बात है जब ब्रिटिल है, इसको हम बेंड कर रहे हैं तो हम कहेंगे टेंसाइल जोन में क्या होगा? क्रैकिंग होगा। अब इसे क्रैकिंग की अगर बात करेंगे तो हमने कहा कि जब धर्म को बेंड कराया गया तो इसमें नंबर ऑफ क्रैक्स देखने को मिला, नंबर ऑफ क्रैक्स देखने को मिला। अब ये क्रैक्स की चौड़ाई कितना होना चाहिए तो हम कहेंगे क्रैकिंग नहीं हुआ। ठीक है, अगर हमने कहा कि भाई ऐसा है कि आप चलिए हम आपको चाय पिला देते हैं, साथ में अगर एक आप जीरा भी खा लोगे या कुछ भी खा लोगे, उसके साथ रस ले लोगे, समोसा ले लोगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बस लिमिट, और उसके बाद अगर गए तो हम पैसा नहीं देंगे। तो वही रीजन यहाँ पर भी है। इसने कहा कि हम मानते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी है, क्रैकिंग होगा, श्रिंकेज होगा, क्रैक्स होगा, लेकिन ये क्रैक्स एक लिमिट है कि अगर क्रैक्स की चौड़ाई 0.3 mm तक है, क्रैक्स की चौड़ाई 0.3 mm तक है तो हम कहेंगे कि उतने में हम कहेंगे यह सेफ रहेगा, फेल नहीं करेगा। लेकिन यदि क्रैक की चौड़ाई, ठीक है, 0.3 mm से अधिक हो जाए, 0.3 mm से
अधिक हो जाए तो हम कहेंगे यह सर्विस बिल्डिंग में क्या किया, फेल कर गया। बता पाए समझ में यहाँ पर आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पर हमने क्या समझाया, हमने ये समझाया यहाँ पर कि जो भी क्रैकिंग होती है ये कंक्रीट में होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम डिपेंडेंट या टाइम बढ़ने के साथ साथ उसमें क्रैकिंग होता है, क्रैकिंग में क्या होता है, संकुचन भी होता है, और उसके कारण उसमें छोटे छोटे क्रैक्स नजर आते हैं सरफेस। तो ये क्रैक्स अगर 0.3 mm तक की चौड़ाई तक है, इससे कम है, हम कहेंगे सेफ रहेगा, और इससे अगर अधिक पर हम कहेंगे सेक्शन क्या करेगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। उसके बाद किसकी बात करते हैं, डिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, डिफ्लेक्शन आपका ठीक है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये हम जो है सीएफ की चेकिंग कराएंगे। यहाँ पर आप समझते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, आपको बताया भी शायद होंगे, ये हमारे पास क्या है, बीम है जिसकी चौड़ाई ज्यादा है, गहराई कम है, हमने रोड लगाया, ये भाई साहब तुरंत क्या किए, बेंड कर गए, स्केल स्केल उठाइए अपना, और उसी पे इस प्रकार से फ्लैट रख करके स्केल लगाइए, स्केल आपका कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्यों, उसकी चौड़ाई ज्यादा थी, गहराई कम थी, हमने क्या किया, उसी स्केल को उठा करके कुछ इस प्रकार से रखे, उसी स्केल को उठा के इस प्रकार से रखा, और जैसे हमने लोड लगाया हम क्या देखते हैं, अब ये तो बेंड होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, अब ये बेंड होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों, हमने कहा क्यों, हमने भैया यहाँ पर देखा क्या, इसकी गहराई बढ़ गई जबकि इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। तो हमने वहां से कुछ सीखा कि यदि किसी धरण की गहराई को बढ़ा दिया जाए, यदि किसी धरण की गहराई को बढ़ा दिया जाए तो वहां पर डिफ्लेक्शन का मान भी क्या होता है, कम होने लगता है। क्या डिफ्लेक्शन शून्य हो जाएगा, क्या डिफ्लेक्शन शून्य हो जाएगा, तो हम कहेंगे होना ठीक है, होना जरूरी नहीं है कि शून्य हो जाए, हो भी सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ परमिशन लिमिट है कि स्पैन और डेप्थ रेशियो के आधार पर डिफ्लेक्शन के मान को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे कि रस्सी कपड़े फैलाने के लिए जाता है, और एक बांधकर यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर दूसरा बांधते हैं, हम क्या देखते हैं कि भले ही जाता है लेकिन ये सीधा ना होकर कुछ इस प्रकार से जाता है, भाई इसमें सेल्फ वेट है कुछ नहीं है, उस सेल्फ वेट के कारण क्या होता है, नीचे को झुक जाता है, तो हम कहेंगे कि ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से ठीक है जितना नीचे जा रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ से? तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि ये डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, हमने क्या किया इसी रस्सी को दूर कर दिया, इसी रस्सी को हमने क्या किया दूर कर दिया, और हम बाद में यहाँ पर आया, हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो डेल्टा था वो डेल्टा का मान यहाँ पर क्या हुआ, तो यह मतलब क्या डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, हम जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, और डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हम उसकी गहराई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर, हमने ये देखा कि डिफ्लेक्शन को सामान्यतः उसकी स्पैन तथा उसके डेप्थ के अनुपात पर दर्शाते हैं, किसके किसके आधार पर, उसके स्पैन तथा उसके डेप्थ के आधार पर दर्शाते हैं। इसका मान आईएस कोड 456/2000 के अनुसार पार्ट बटा ठीक है 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हिंदी वाली किसी किसी बुक में देखेंगे तो वहां पर 350 लिखा गया है, जबकि 350 आपका स्टील बीम में लिया जाता है। आईएस कोड के अनुसार पार्ट बटा 250 से अधिक नहीं होना चाहिए, स्पैन बाय 250 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखो डिफ्लेक्शन आपका बड़ा सा मिलेगा तो हम वहां पर और विस्तार करेंगे। ठीक है, तो क्रैकिंग हमने देख लिया, क्रैकिंग फिर हमने देख लिया डिफ्लेक्शन। ठीक है, और इस डिफ्लेक्शन का जो मान है हम कहेंगे वो अधिक नहीं होना चाहिए, इससे स्पैन अपान 250। क्लियर हुआ? 325 जहाँ पर होगा, 325 जहाँ पर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टील बीम के लिए होता है ना कि आरसीसी बीम के लिए होता है। अब इसका फिर आपका वाइब्रेशन भी होता है। ठीक है, वाइब्रेशन भी होता है, और इस वाइब्रेशन को हम ज्यादातर कंसीडर नहीं करते हैं, ज्यादातर हम किसी बात करते हैं, सिर्फ इन दोनों की बात करते हैं। क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, तो हमारे ख्याल से इसका इंट्रोडक्शन आपका समझ में आ गया होगा कि क्या क्या और कैसे कैसे हमें आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर, तो आप हम थोड़ा ठीक है स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने बताया नहीं कि किसको किसको जो है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पर कोलैप्स के बारे में देखा था, तो वहां पर हमने कुछ देखा बेंडिंग या फ्लेक्चर इसी को कहते हैं, टॉर्जन, सीयर, मतलब जितने भी प्रकार के स्ट्रेसेस थे, जितने भी प्रकार के स्ट्रेसेस थे वो सब किसके अंतर्गत थे, कोलैप्स के अंदर। अब स्ट्रेस को ठीक है, या स्ट्रेस किसके कारण आता है, कहने लगने वाले लोड के कारण, भाई लोड लगा, लोड लगने से इसमें डिफॉर्मेशन होने का प्रयास करेगा,
अर्थात स्ट्रेन, और स्ट्रेन को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है ये सीधा संबंध कहाँ पर जा रहा है, लोड से जा रहा है। और जब सीधा संबंध लोड से जा रहा है तो हम कहेंगे कि लोड के आधार पर किसी भी मेंबर की हम डिजाइन करते हैं। हम यहाँ पर करेंगे डिजाइन, जबकि यहाँ पर करेंगे क्या, चेकिंग। बता बैठे ठीक है, बस इसमें हमने क्या किया, डिजाइन कर लिया। अब हम देखेंगे कि पहले तो हमें जरूरत क्या है, ये स्ट्रेंथ को बियर। अब जब स्ट्रेंथ को बियर कर लिया तब हम कहेंगे भैया अब ऐसा है सर्विसबिलिटी भी इसके चेक कर लीजिए। अगर सर्विसबिलिटी में फेल कर गया हम कहेंगे सेक्शन आपका रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो अगर हम रीडिजाइन ना करें क्या फेल हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोलैप्स में तो हमने इसको मजबूत में या स्ट्रेंथ में हमने इसको क्या किया, डिजाइन कर दिया, उस लोड को बियर करेगा। परंतु अगर बात सर्विसबिलिटी की आएगी तो हम कहेंगे कि यह सर्विसबिलिटी में फेल कर जाएगा। अगर दोनों में सेफ है तो हम कहेंगे कि यह सेक्शन आपका सेफ रहेगा और दिए गए समय तक इसमें कोई भी ठीक है कमी नहीं आएगी, अर्थात ठीक है अपने पूरी लाइफ में या आने वाले लोड को भी और क्रैकिंग डिफ्लेक्शन को भी बियर कर सकता है। तो हम अगर बात करेंगे कोलैप्सिबिलिटी में तो हम सामान्यतः यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है उसकी स्ट्रेंथ को हमें दिखाना है कि आने वाले सभी स्ट्रेस आने वाले सभी लोड को आसानी से बियर कर ले, ठीक है बिना फेल किए कोलैप्सिबिलिटी। ठीक है हमने कहा यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसकी हम लॉन्ग लाइफ की बात करते हैं, अर्थात इसके जीवन की बात करते हैं कि अपने पूरी लाइफ में किसी भी प्रकार का लोड पड़ने के कारण उसमें ना तो क्रैकिंग हो ना तो डिफ्लेक्शन हो, ठीक है ना तो कोई वाइब्रेशन हो, तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है सर्विसबिलिटी में उसकी सही है। अर्थात में हम उसके पूरे जीवन में क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जबकि इसमें हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ठीक है तो इसके बाद जो है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है तो अगला हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने देख लिया इनके बारे में, ठीक है अब हम थोड़ा सा और इसी में देखते हैं। अब हम कोई स्टार्ट नहीं किया, अभी हम कोई टॉपिक नया नया लेकर चल रहे हैं, हम सब अभी क्या कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, ठीक है अच्छा बताओ कोलैप्स और इसमें सर्विसबिलिटी में ये अंतर सबको समझ में आ गया है। ठीक है जब अंतर सबको समझ में आ गया तो हम यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और फिर हम देखेंगे अब कि किस प्रकार से इसका डिजाइन स्ट्रेंथ या ठीक है किस प्रकार से हम इसको आगे डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ, तो बेसिक चीज जो आप उसमें पढ़े हो वर्किंग में वही चीज हमारा यहाँ पर भी रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा अंतर था वो हमने यहाँ पर बताया। ठीक है अब हम आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड। ठीक है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की पहले बात कर लेते हैं, स्ट्रेंथ। ठीक है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की जब हम बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता क्या है, ठीक है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता क्या है थोड़ा सा हम पहले बात करते हैं यहाँ पर। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है इसके लिए हम कहेंगे क्या कि वह स्ट्रेंथ जिसपे 95% टेस्ट रिजल्ट की पुष्टि करता है जबकि 5% यहाँ पर क्या करे फेल करता है। जैसे हमने कहा कि हमसे किसी ने कहा भैया कितना खाओगे, हमने कहा ठीक है कि ऐसा है 4 से 5 रोटी बना लिया जाए। ठीक है अब 4 से 5 रोटी बना लेकिन हमने क्या किया, मान लीजिए 5 बन गया और हमने सिर्फ इतना खाया और इतना हमने छोड़ दिया। अब बता भाई इसमें हमें डांट पड़ेगी कि आपने इतना खाया था और आधा आपने खाया बस आधा छोड़ दिया, अब इसमें हमें डांट पड़ सकती है, इसका मतलब क्या हम यहाँ पर फेल करेंगे। ठीक है अब यहाँ पर हमने कहा कि जब 5 बना मान लीजिए 5 बना और यहाँ पर हमने 4.5 खा लिया तो बचा कितना 0.5 या इससे भी कम। हम यहाँ पर सिर्फ समझा रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके नहीं चल रहे हैं। तो हम कहेंगे क्या कि अब कोई अगर पूछेगा भैया इतना काहे हुआ तो हम कहेंगे क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में हमें ये बताया जाता है कि 95% को पुष्टि करेगा यहाँ सही सही है, बाकी 5% को क्या करता है बदल जाता है अर्थात फेल कर जाता है। क्लियर हुआ, जैसे हमने कहा कि कोई बाहर से आया, ठीक है समझने यहाँ पर समझ लीजिए बोले नहीं समझ लीजिए, हमने कहा कि एक नेता यहाँ पर खड़े हुए थे इलेक्शन में और इनके सपोर्टर थे और वो सपोर्टर ने कहा भैया ऐसा है कि हमारे पास 100 वोट है, कितना वोट है 100। नेता ने कहा कि ये क्या ये सभी वोट हमें ही मिलेंगे, तो जो सपोर्टर था
जो यहाँ पर सपोर्टर था उसने कहा भाई बिल्कुल मिलेंगे, 100 के 100 मिलेंगे। जब गिनती हुई वोट पड़ने के बाद तो इनको कितना मिला, 95। अभी तुरंत इससे पूछे ये ऐसा है आपने कहा था 100 मिलेगा, तो उसने कहा हमने कहा था 100 मिलेगा, लेकिन ठीक है लेकिन 5% की यहाँ पर थोड़ा सा कमी हो गई। ठीक है, अगर 5 से ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे ये हमारा फेल होगा, लेकिन 5 से कम अगर होगा तो हम कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, ये करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अंतर्गत आएगा था। ठीक है, यदि किसी कंक्रीट की, स्टील की, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वह स्ट्रेंथ जो अपने टेस्ट रिजल्ट पर 95% की पुष्टि करे जबकि 5% की पुष्टि न करे, अर्थात 5% वहां पर फेल हो जाए, 95% सही रहे लेकिन 5% वहां पर फेल हो जाए, तो ऐसे स्ट्रेंथ को क्या कहेंगे, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, बस वहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए। 100 क्यूब बनाया गया, ठीक है, हमने कहा कंक्रीट की हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि 100 क्यूब बनाए गए, 100 क्यूब यहाँ पर बनाए गए। जब इनको टेस्ट रिजल्ट पर चेक किया गया, अर्थात टेस्टिंग किया गया, तो हम क्या देखते हैं कि 95% तो यहाँ पर सही है, ठीक है, अर्थात करेक्ट है, अर्थात टेस्ट रिजल्ट पर अपनी पुष्टि कर रहे हैं, जबकि 5% यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया, तो हम कहेंगे ये स्थिति क्या कहलाएगी, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अर्थात वह स्ट्रेंथ जो लिखाएंगे नहीं लिखिएगा अपना, वह स्ट्रेंथ जो टेस्ट रिजल्ट पर 95% की पुष्टि करता है जबकि 5% की पुष्टि नहीं करता है, उसी को क्या कहेंगे, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहेंगे। पता है क्लियर होना, ठीक है। अब बात यह आती है कि जो करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, जो करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अधिक होता है या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कम होता है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अधिक होगा या कम होगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा हम देखते हैं कि जो करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाली जाती है, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो निकाली जाती है इसको हम बोलते हैं FCK। इसको हम क्या बोलते हैं, FCK। क्लियर हुआ आपको। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हमने कहा यह सामान्यता लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में बनाया जाता है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, कि ऐसे स्थान पर बनाया जाता है या ऐसे स्थान पर चेक किया जाता है जहां पर आपके पास हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंक्रीट को पर्याप्त कंपैक्ट भी कर सकते हैं, कंक्रीट को बेड के आधार पर ले जाता है, उसमें कितना वाटर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कितना उसमें एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है, कितना उसमें सैंड होना चाहिए और कितनी देर तक इसको मिक्सिंग करना चाहिए, वाइब्रेट कितना देर होना चाहिए, क्या हम कहेंगे कंपैक्ट कितनी देर हम करेंगे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अच्छा सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं तो हम कहेंगे कि जो क्यूब यहाँ पर बनेगा, ठीक है, जो क्यूब यहाँ पर बनेगा उस क्यूब की स्ट्रेंथ क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, उस क्यूब की जो भी स्ट्रेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, क्यूब की स्ट्रेंथ जो होगा वो अधिक होगा। अब यहाँ पर देखो, हमने कहा हर चीज हमारे पास है, ठीक है, वही मटेरियल है, बस अर्थे यहाँ पर कुटाई करने की क्षमता कम हो गई। अब देखो कंक्रीट जो होता है ये कुटाई पर ही निर्भर है, जितने ज्यादा कूटोगे उतने ज्यादा स्ट्रेंथ देगा ये। क्लियर हुआ, वही चीज है, जैसे बच्चे रहते हैं तो उनको क्या है, स्टार्टिंग में मारना पीटना पड़ता है तब वो समझते हैं, और जितने ज्यादा कूटे समझ लो कि उतना ज्यादा उनके क्या है, क्वालिटी बन रही है। अब वही आगे चल करके कुछ करेंगे, आगे ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कूट दो, क्योंकि जब बहुत ज्यादा कूट देते हैं तो कंक्रीट में आप देखते हैं क्या ब्लेड या सेग्रीगेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो हमको उतना भी नहीं कूटना है, एक नॉर्मल से, तो वही हम कह रहे हैं क्या कि कंक्रीट कुटाई अगर ज्यादा करो, हाँ मटेरियल में कहा सेम है, तो जितना ज्यादा कुटाई करेंगे उतना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ भी होती है। हम आ गए अब साइट पर, हम आ गए कहाँ पर, हम साइट पर। और जब साइट पर आए तो हमने कहा कि कुटाई कर रहे थे, फिर क्या हुआ, अरे छोड़ यार हो गया तो हुआ, ठीक है बहुत कूट दिया हमने। अब इसमें पेरेंट्स ने क्या किया, हार मान लिया। ठीक है, जब पेरेंट्स ने हार माना तो वहां पर बच्चे की भविष्य क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। तो हम वहां पर क्या कहेंगे, क्या कि कंपैक्शन, ठीक है, अगर पूरा ना हुआ हो तो उसमें वॉइड्स बन जाता है, 1% वॉइड्स होने से, 1% वॉइड्स होने से हम कहेंगे कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगा,
कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगा ये 5% क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। देखो हल्का सा गलती, स्ट्रेंथ कितना घट रहा है 5%, 1% डिवाइड हुआ, स्ट्रेंथ कितना घटा 5%। तो हम कहेंगे कि जो स्ट्रेंथ यहाँ पर प्राप्त हुई थी आपको लैब में, क्या वही स्ट्रेंथ आपको साइट पर भी मिलेगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? वही आलस्य बना, लेजी, ठीक है। अगर हम बढ़िया से इसको कंपैक्ट किए होते तो ये वर्ड्स यहाँ पर नहीं होता, अच्छा ये वर्ड्स यहाँ पर नहीं होता, हम कहते स्ट्रेंथ इन दोनों में क्या होती, बराबर होती, लेकिन ऐसा यहाँ पर होता नहीं है। फिर मान लीजिए हमने कूट दिया, अच्छे से कंपैक्ट भी कर दिया, लेकिन कहीं से डस्ट आकर के वहां पर जम गया, ठीक है, या पानी मिलाते समय, वाटर मिलाते समय, या वाटर मिक्सिंग करते समय वाटर की क्वांटिटी वहां पर थोड़ा सा बढ़ गई। अब बता भाई, अभी भी तो हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ प्रभावित होगा। क्यों स्ट्रेंथ प्रभावित होगा? तो हम वहां पर क्या कह रहे हैं, क्या कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो भी होती है उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ से अधिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ से अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सामान्यतः लैब में बताया जाता है, जबकि एक्चुअल स्ट्रेंथ सामान्यतः हम साइट पर चेक करते हैं। बता दो क्लियर हुआ, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ आ गया हमारे ख्याल से, और ये आपको क्या होगा, याद भी रहेगा। क्लियर हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। आप कहेंगे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज लेस देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। हम बोल रहे हैं भाई, अगर यहाँ से ना समझ आए तो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो भी होगा वह कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से क्या होता है, कम होता है। तब एक बार ठीक है, अब इसका जो यूज होता है वो अभी हम डिजाइन स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे तो वहां पर आपको दिखाएंगे। बता बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। बता बैठे हुए हैं, हटाए इसको, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को और हम क्या समझ सकते हैं, और क्या समझ सकते हैं। तो हम कहेंगे इसी को हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी समझ सकते हैं, इसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी समझ सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी हमारी क्या होती है, अंतिम सामर्थ्य को दिखाता है, और ये भी किसको दिखा रहा है, अंतिम सामर्थ्य को दिखा रहा है। क्लियर हुआ? बात यह आती है कि अगर आपके पास ब्रिटल मटेरियल है तब तो हम लेंगे क्या, अल्टीमेट, और अगर हो गया डक्टाइल मटेरियल तब वहां पर हम क्या लेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ। तब वहां पर हम क्या लेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ लेंगे, ठीक है। और वही यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारा क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाता है। अगर हमारे पास कंक्रीट है तो हम कहेंगे FCK, और अगर स्टील है तो वहां पर हम लेंगे यील्ड स्ट्रेंथ अर्थात FY। दावा क्लियर हुआ, इसमें हमारे पास कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड, इसकी हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक लोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक आप लोड की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है। स्ट्रेंथ हमने कहा कि 95% तो सही है जो हम कह रहे हैं, 5% फेल करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड की हम अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लोड में, कैरेक्टरिस्टिक लोड वह लोड होता है, जैसे हमने कहा कि हमने कोई यहाँ पर हमने कोई स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, और इस स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं या इस पे केवल और केवल 100 किलो का भार आएगा, 100 kg का लोड इस पे आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। फ्यूचर में इस पे बहुत ज्यादा होगा तो केवल और केवल 110 किलोग्राम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, चलिए हमने मान लिया। लेकिन फ्यूचर को कौन जानता है भाई, हमारा कहा हमारे बच्चे थोड़ी मानेंगे, वो क्या करेंगे, वो अपने मान का करेंगे, अब वो लोड का मान कभी भी बढ़ा सकते हैं। भाई उनके घर में मेहमान आएंगे, फंक्शन होगा, पैसा आएगा तो फंक्शन होगा, और उसके आधार पर लोगों की यहाँ पर क्या होगी, जमावड़ा अधिक होगा, ठीक है, अगर क्राउड होगा तो हम कहेंगे क्या, ज्यादा लोग आएंगे, अच्छा ज्यादा लोग आएंगे हम कहेंगे क्या, उस पर लोड का मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक लोड कहता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लोड ये कहता है कि पूरी लाइफ में, ध्यान समझना, पूरी लाइफ में 95% उम्मीद यह है कि इस पर कोई भी लोड नहीं बढ़ेगा, ठीक है, 95% उम्मीद यह है
कि हम जिस लोड पे डिजाइन किए हैं केवल उतना ही लोड रहेगा, ठीक है, उससे एक भी लोड नहीं बढ़ेगा, लेकिन 5% की उम्मीद ये रहती है कि लोड बढ़ सकता है। फिर वो 95% क्या कह रहा है, ठीक है, 95% क्या कह रहा है कि लोड नहीं बढ़ेगा, लोड नहीं बढ़ेगा। क्लियर हुआ? लेकिन 5% की यहां पर क्या कर रहा है, ये फेल कर जा रहा है, हो सकता है कि लोड यहां पर क्या हो, बढ़ जाए। बता रहे क्लियर हो गया यहां से? तो उसी लोड को हम क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक लोड, अर्थात वह लोड जो अपनी पूरी लाइफ में 95% बढ़ने की उम्मीद नहीं रखता है, उसी को कहते हैं क्या, करैक्टरिस्टिक लोड। और 5% यहां पर रहता है भाई बढ़ सकता है से, तो करैक्टरिस्टिक लोड और करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दोनों समझ आ गया होगा हमारे ख्याल से, ठीक है। स्ट्रेंथ में 95% सही कर रहा था, जबकि करैक्टरिस्टिक लोड में अगर हमने कहा कि 95% लोड बढ़ने की उम्मीद नहीं रहेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, करैक्टरिस्टिक लोड कहेंगे। बताओ क्लियर हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। करैक्टरिस्टिक लोड को हमने देख लिया, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा आईएस कोड के बारे में जानते हैं, ठीक है। आईएस कोड कुछ ले लेते हैं, आईएस कोड आपका है 875 की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर लोड फैक्टर की बात करेगा, किस बात करेगा, लोड फैक्टर की बात करेगा या लोड कैलकुलेशन की बात करेगा, यहाँ पर हम लेते हैं लोड कैलकुलेशन, ठीक है। फिर आईएस कोड, ठीक है, आईएस कोड 1343 अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका रहेगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन, तो क्या बात कर रहे हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन, ठीक है, आई एस कोड में। फिर अगर हम आपका बात करेंगे आई एस कोड 1893, तो ये हमारा किसका आता है, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक डिजाइन की बात करता है, ठीक है, अर्थक्वेक डिजाइन की बात करता है, अर्थात यहाँ पर हम अर्थक्वेक रीडिजाइन की यहाँ पर हम लिख सकते हैं, रीडिजाइन है यहाँ पर, क्या है, रीडिजाइन, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं आईएस कोड 3370, ये किसकी बात कर रहा है, लिक्विड रिटेनिंग RETAINING रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आईएस कोड 875 जो होगा आपका लोड कैलकुलेशन के लिए होता है, हम बोल रहे हैं लोड कैलकुलेशन के लिए होता है। आईएस कोड 1343 जो होता है वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए होता है। आईएस कोड 1893 जो होता है अर्थक्वेक रीडिजाइन के लिए होता है, अर्थात जहां पर वह क्षेत्र या वह जोन जहां पर अर्थक्वेक अर्थात भूकंप ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, जब भूकंप ज्यादा आ रहा है तो उसके लिए विंड लोड के स्थान पर हम अर्थक्वेक लोड को लेकर के चलते हैं। अब हम आगे लोड फैक्टर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है आईएस कोड 3370, ये हमारा लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है, अर्थात कहेंगे कि उसके अंतर्गत क्या, जैसे आपका डैम आ गया, ठीक है, ये तो आपको किसके अंदर होता है, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत लिया जाता है। तब देखो तो इसको आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, हटा रहे इसको, ठीक है। इसी कोड का आगे हम थर्ड नंबर से पढ़ाते हुए चलेंगे, आपको कोड यहाँ पर हमने लिखा दिया, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, हमने करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देख लिया। अब बात ये आती है कि क्या डिजाइन हम इसी करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अच्छा हम लग रहा है हम स्लो पढ़ा रहे हैं क्या, ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लिमिट स्टेट अभी पहली बार देख रहे हैं, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, जो भी डाउट होगा आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें फाउंडेशन में बनाना है बस आपका, ठीक है, बस आपको बेस अगर समझ में आ गया फिर हम चाहे जितनी स्पीड से चलेंगे आप तुरंत हमारे साथ साथ चलते हुए नजर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप केवल बेस क्लियर कीजिए, स्लो है कोई दिक्कत नहीं है, कल से तेज कर लेंगे, और अगर तेज है तो उससे तेज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या कि ये हमारे पास मान लेते हैं कोई स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसकी जो भी करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जो भी इसके करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, या इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है,
ठीक है, वो हमें पता है भाई कंप्लीट है, तो उसका जो ग्रेड दिया जाएगा वही ग्रेड उसके क्या कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। फिर हमने कहा क्या कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है वह अधिक होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ से, अर्थात हम कहेंगे कि जो साइट पर स्ट्रेंथ है उसका मान कम होता है जबकि इसका स्ट्रेंथ मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि अगर हम इस सेक्शन का इस लोड के आधार पर डिजाइन करेंगे तो भैया तो फेल कर जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो कम है इससे इससे। अगर हम मान लेते हैं ये 20 किलोग्राम का लोड संभाल रहा है तो हम कहेंगे जब एक्चुअल हम चेक करते हैं तो वो केवल कितना लोड संभाल रहा है, 18 किलोग्राम। लेकिन अगर हम डिजाइन इस 20 वाले के आधार पर कर दें तो क्या सेफ रहेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है 18 है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के आधार पर 20 है। हम यहाँ पर माने हैं, कोई चीज लेकर नहीं चले, माने। ठीक है, तो बात ये थी अब कैसे हम डिजाइन करेंगे। चलिए, हमने कहा कि हम इस 18 पर डिजाइन कर, हमने कहा हम इस 18 पर डिजाइन करते हैं, हमने कहा ठीक है डिजाइन कर सकते हो भाई, इसकी स्ट्रेंथ भी 18 बेयर करेगा, परंतु सेक्शन आपका क्रिटिकल हो गया। सेक्शन कैसा हो गया, क्रिटिकल हो गया, एक मक्खी भी अगर बैठ जाएगी सेक्शन तुरंत आपका क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा। सेक्शन क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि इसकी ये अंतिम सामर्थ्य है और आपने जो डिजाइन किया है वो इसी 18 पे ही कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या क्या इससे हम हल्का सा भी लोड बढ़ाएंगे तुरंत सेक्शन हमारा क्या करेगा, फेल कर जाएगा, तो हमें उसको सेफ भी करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर एक फैक्टर लेते हैं और उस फैक्टर को आने वाले लोड के साथ क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, लोड फैक्टर निकल जाएगा। फिर दूसरा क्या है, वो तो हमारा लोड के लिए हो गया, हमें मटेरियल की बात करना है, मटेरियल। तो मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होता है उसके आधार पर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, लेबर। तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे क्या कि जो भी इसमें ठीक है मटेरियल है, इस मटेरियल में एक कुछ ठीक है, इस मटेरियल में कुछ सेफ्टी फैक्टर ले लेते हैं और उसी सेफ्टी फैक्टर को उठा के भाग करेंगे, जितना उसका स्ट्रेंथ आएगा उसी के आधार पर सिस्टम की डिजाइन करेंगे। जैसे हमने कहा कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कितना है 20, हमने कुछ सेफ्टी फैक्टर लिया, क्या लिया है, कुछ सेफ्टी फैक्टर लिया है और उसी कुछ सेफ्टी फैक्टर को, कुछ सेफ्टी फैक्टर को हम कहते हैं क्या, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। देखो अब किसी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को हम यहाँ पर भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो निकलेगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस। वो वर्किंग स्ट्रेस, लेकिन हम यहाँ पर जो कहेंगे वो कहते हैं डिजाइन स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस मेथड अगर WSM में अगर होता तो हम कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस, लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डिजाइन स्ट्रेस कहेंगे। बता पाएंगे वो, तो जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है ठीक है, हम कह रहे हैं क्या कि वास्तविक स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की वास्तविक स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम होगा, अतः डिजाइन करते समय उसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर कुछ या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाकर हम डिजाइन स्ट्रेस का मान निकालते हैं और उसी डिजाइन स्ट्रेस के आधार पर ठीक है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बता भी क्लियर है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है क्या, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है क्या, ठीक है। तो सेफ्टी फैक्टर आपने पीछे पढ़ा होगा वर्किंग स्ट्रेस में, ठीक है। अब वही सेफ्टी फैक्टर यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो आप लोग जानते होंगे सेफ्टी फैक्टर क्यों लिया जाता है, तो हम कहेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, उसी प्रकार से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी किया जाएगा अपनी सुरक्षा के लिए। क्यों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज लेस देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसी कारण हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है, अगर हम ये कंक्रीट की बात करेंगे ठीक है, स्टील की बात करेंगे, हम डॉट लिख रहे हैं ठीक है, निकाला भी जाता है, तो कंक्रीट की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए ले जाता है 1.5, जबकि स्टील की अगर हम बात करेंगे तो हमारा कितना आता है 1.15। ये हमारा क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। इससे आप कहा प्रीलिम एग्जाम में क्वेश्चन को, प्रीलिम एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चाहे IAS कोड ठीक है 456/2000 बोल दें, ठीक है, चाहे लिमिट स्टेट बोल दें, चाहे वहाँ पर लोड फैक्टर मेथड बोल दे और चाहे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोल दे, कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमारा 1.5 होगा, जबकि स्टील के लिए हमारा कितना होगा 1.15 किया जाता है। ये हमारा क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ये हमारा क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। बताओ क्लियर है।
ठीक है। तो अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देखेंगे यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कंक्रीट का जो भी पार्श्व शक्ति फैक्टर है वो स्टील की अपेक्षा अधिक है, स्टील की अपेक्षा अधिक है। वर्किंग में भी आपने देखा था, वर्किंग स्टील में भी देखा था कि सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट इज ग्रेटर देन सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील, ठीक है। ऐसा क्यों होता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं। हमने कहा स्टील, क्या स्टील को साइट पे बनाया जाता है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। फिर हमने यहाँ पर आपको दिखाया था रोल्ड करके इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, चाहे यहाँ पर आपको कोल्ड रोल्ड हो या कोल्ड ट्विस्टेड हो या हार्ड रोल्ड हो, ठीक है। ये रोल्ड क्या होता है, हम कहेंगे दो बेलन होता है, ये बेलन एक प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन मूव करता रहता है और ये राड आपके गोल करता हुआ चला जाता है, ठीक है। ये इसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको खत्म करके इसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जबकि कंक्रीट आपका साइट पे बनाया जाता है, अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या साइट पे बनाई गई कंक्रीट की जो भी स्ट्रेंथ होती है वह उसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम होता है। जब कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कंक्रीट की स्ट्रेंथ उसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम है तो हम कहेंगे कि उसकी सेफ्टी फैक्टर क्या ले लीजिए, ज्यादा ले लीजिए। फिर दूसरी बात क्या कि यह एक ब्रिटल मटेरियल है, दूसरी बात हमने क्या देखा यहाँ पर कि यह एक ब्रिटल मटेरियल है, क्लियर हो। अब ये हमारा क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। तो देखो हम कई प्रकार से आपको बता रहे हैं, पहला आपका क्या कि कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, अधिक होती है उसके एक्चुअल स्ट्रेंथ से, इसलिए इसकी सेफ्टी फैक्टर क्या करते हैं, हम ज्यादा लेते हैं स्टील के बजाय। जबकि कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है। अब ब्रिटल मटेरियल जो होता है बिना इंडिकेट किए फेल कर जाता है, बिना इंडिकेट किए फेल कर जाता है। तो हम कहेंगे कि जब बिना इंडिकेट किए फेल कर रहे हैं तो इनके हम सेफ्टी फैक्टर ज्यादा रख देंगे। जब फैक्टर सेफ्टी ज्यादा रख देंगे तो हम कहेंगे कि फेल होने से पहले, जैसे हमने कहा कि इस पे 10 किलो का भार आएगा लेकिन ये ब्रिटल मटेरियल है, तो हम कहेंगे भैया ऐसा है कि 150 मंगा के 15 पे डिजाइन कर दीजिए। जब 15 पे डिजाइन किया, जैसे इस पे 10 लोड पड़ा, हम कहेंगे भैया ये फेल हो सकता है, क्या ये फेल होगा, कहेंगे नहीं। 11 लोड पड़ा, फेल होगा नहीं। 12 पड़ा, नहीं हुआ। 13 पड़ा, भी नहीं हुआ। फेल कितने पे होगा भाई, 15 पे होगा। तो हमने वहां पर क्या देखा कि जो ब्रिटल मटेरियल है उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अधिक लेने से सेफ्टी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। जबकि डक्टाइल मटेरियल फेल होने से पहले इलांगेट होगा, जब इलांगेट होगा तो हमें पता चल जाएगा भैया अब ये धरन यहाँ पर टूटने वाली है, तुरंत यहाँ से क्या करो, बाहर निकल जाओ। तो वही रीजन यहाँ पर है क्या कि डक्टिलिटी है, डक्टाइल मटेरियल है, इलांगेशन मैक्सिमम होगा, हम कहेंगे इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगा। कंक्रीट है, ब्रिटल मटेरियल होगा, बिना इंडिकेट के फेल करेगा, अतः इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी, अधिक लिया जाएगा। अतः क्लियर हो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर दूसरी चीज क्या है, ये जो कंक्रीट है, ठीक है, ये स्टील की अपेक्षा अपनी क्वालिटी को जनरेट नहीं कर पाते हैं। स्टील के अंदर जितनी क्वालिटी होती है उतनी क्वालिटी को ये कंक्रीट नहीं जनरेट कर पाते हैं, इसलिए भी इनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अधिक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कोई बड़ा स्ट्रक्चर है उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगा कि ज्यादा, तो हम कहेंगे जैसे पानी का टंकी ले लिया गया, अगर ये पानी का टंकी फेल करेगा तो आसपास के जो गांव होंगे क्या वो बचेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लीजिए क्योंकि वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अर्थात जितने भी लार्ज स्ट्रक्चर होगा उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी उतना ही ज्यादा होगा, क्यों, उससे हमारी सुरक्षा रहती है। जितना छोटा स्ट्रक्चर होगा उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी उतना ही कम रखेंगे। हमने कहा इस पे 1 किलो का भार आ रहा है, कोई सेफ्टी फैक्टर मत लगाओ, डायरेक्ट डिजाइन कर दीजिए, क्योंकि 1 किलो वेट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गिर पे लगेगा, टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बड़ा स्ट्रक्चर है वो टूटेगा तो इसमें जन धन मान सबकी यहाँ पर नुकसान होगी, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा ले लीजिए, फिर वहां पर डिजाइन कीजिए। बताओ क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। तो जितना बड़ा स्ट्रक्चर उतना ज्यादा सेफ्टी फैक्टर, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं इसीलिए हम कहते हैं क्या, जो लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं उनको वर्किंग स्टेट मेथड डिजाइन करते हैं, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल होते हैं उनको हम किससे करते हैं, लिमिट स्टेट से। क्या ये जरूरी है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं जरूरी है, आप किसी भी से कर सकते हो, ठीक है, दोनों मेथड यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आगे हम क्या देखते हैं, डिजाइन मेथड, ठीक है, डिजाइन फैक्टर डिजाइन भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, डिजाइन की स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, फैक्टर स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है, कहीं कहीं पर डिजाइन स्ट्रेस भी कहता है, ठीक है, या इसी को हम फैक्टर स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ या फैक्टर स्ट्रेंथ, पता है डिजाइन स्ट्रेंथ या फैक्टर स्ट्रेंथ, ठीक है, ये कैसे निकलता है, तो हम कहेंगे एक होगा मटेरियल के लिए, एक होगा आपका मटेरियल के लिए और दूसरा होगा आपका लोड के लिए, दूसरा किसके लिए होगा, लोड के लिए, मटेरियल के लिए जो होगा उसको हम एफ एम बोल देते हैं, लोड के लिए जो होगा उसको हम एफ बोल देते हैं, या यहाँ पर आप कुछ लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, मटेरियल या ठीक है, या फिर लिख देते हैं या एफ एफ लिख देते हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ लोड, फैक्टर ऑफ लोड, ठीक है, डब्ल्यू एफ जो भी लेना चाहो अपना पूर्ण समझिए, बस यहाँ पर, यहाँ हमने कहा मटेरियल के लिए, डिजाइन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इसके लिए हम कहेंगे क्या कि मटेरियल में आपका दो होगा, एक होगा कंक्रीट और दूसरा हमारे पास क्या होगा स्टील, दूसरा हमारे पास क्या होगा स्टील, ठीक है, एक होगा हमारे पास कंक्रीट और दूसरा हमारे पास क्या होगा स्टील, ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ है, ये डिजाइन स्ट्रेंथ निकलता क्या है भाई, जैसे आप वर्किंग स्ट्रेस में स्ट्रेस निकालते थे वर्किंग स्ट्रेस, उसी वर्किंग स्ट्रेस के आधार पर हम किसको कह रहे हैं डिजाइन स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वहां पर वर्किंग स्ट्रेस था और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं डिजाइन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं या फैक्टर स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, क्लियर हुआ, ये कैसे निकलेगा, यहां पर कहेंगे क्या कि जो इसकी कंक्रीट है ब्रिटल मटेरियल है अर्थात एफ सी के, ठीक है, डी डी की हम बात कर रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, हम कहेंगे क्या कि ये आपका डिजाइन स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है आपके यहाँ पर डिजाइन स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, पता लग रहा है, ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा क्या है कुछ कहानी और है कंक्रीट की, ठीक है, बताए हैं बस एक बार और थोड़ा सा बात करेंगे, यहाँ पर स्टील की हम बात करेंगे, हम कहेंगे एफ वाई डी, यहाँ पर बात करेंगे क्या एफ वाई डी, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे इसका जो मान होगा ये यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ और बटे हम करेंगे, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहां से निकालेंगे एफ वाई डी का मान और ये आएगा यील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, हमने मान लिया एफ वाई और अपान हम करेंगे 1.15, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.87 एफ वाई, अर्थात स्टील कि जो यील्ड स्ट्रेस है वो एफआई है, जबकि अगर हम डिजाइन स्ट्रेस की बात करेंगे ये डिजाइन स्ट्रेस हमारा कितना लिया जाएगा 0.87 एफआई लिया जाएगा, सब क्लियर है यहां से, ठीक है, ये हमारा किसके लिए हुआ स्टील के लिए, जहां पर हम सिग्मा एसटी यूज करते थे अब सिग्मा एसटी ना यूज करके वहां पर क्या यूज करेंगे 0.87 हुआ एफआई, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस में सिग्मा एसटी जबकि लिमिट स्टेट में 0.87 एफआई, क्योंकि यही इसका क्या होता है डिजाइन स्ट्रेस होता है, क्लियर हुआ, अब बात हम करते हैं कंक्रीट की, हम थोड़ा सा मिटाएंगे यहां पर, बात करते हैं हम कंक्रीट के लिए, अगर हम कंक्रीट के लिए बात करेंगे तो हम जानते हैं क्या कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ, बार बार हम बात कर रहे हैं कंक्रीट की वास्तविक स्ट्रेंथ इसकी करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम होती है, ठीक है, जब कम होती है तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर जो भी एक्चुअल स्ट्रेंथ दिया जाएगा, जो भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया जाएगा, वह अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहाँ पर कम होगा, कितना कम होगा, तो हम कहेंगे क्या ये आईएस कोड ने निर्धारित किया गया है, ठीक है, ये निकालने का तरीका नहीं लेकिन हम बता दे रहे हैं याद करने के लिए आपको ठीक रहेगा, ठीक है, जो भी कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, वह सामान्यतः 0.67 एफसी के लिया जाता है, ठीक है, ये कहां से आईएस कोड ने निर्धारित किया है, ठीक है, ये सामान्यतः प्रैक्टिस के आधार पर रखा जाता है, ठीक है, अनुभव सूझबूझ के आधार पर रखा गया है, हम बता रहे हैं आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, यहां पर जो एफसी के का मान रखेंगे वो रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, देखो हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर स्ट्रेंथ होगा कंक्रीट की, जो भी स्ट्रेंथ होगा या मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो हम कहेंगे एफ सी के अपान कर दीजिए 1.5, अगर इसको काटेंगे पीटेंगे तो 0.67 एफ सी के हो जाता है, ये जो मान है ये हमारा क्या है, तो हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्योंकि क्यूब पर ही स्ट्रेंथ को दर्शाया जाता है भाई, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किस पे ज्ञात करते हो, क्यूब पर ज्ञात करते हो,
ठीक है, तो वही फ्लूइड का स्ट्रेंथ जो था ठीक है एक्सी के था, लेकिन हमने कहा कि इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ कम होती है। क्यों? कंपैक्शन प्रभाव डालता है, डस्ट प्रभाव डालता है, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो पर प्रभाव डाल सकता है, कोई भी त्रुटि उस पर प्रभाव डाल सकती है, तो उससे हम कहेंगे क्या उससे कम रहता है, कितना रहता है, 0.67 रहता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। कंक्रीटली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना ले जाती है, 0.67 एफसी के, कितना रहता है, 0.67 एफसी के लिया जाता है। अब इसके आधार पर हम जब डिजाइन स्ट्रेस की बात करेंगे, जब हम डिजाइन स्ट्रेस की बात करेंगे तो एफ सी के डी यहाँ पर जो आएगा कंक्रीट का जो डिजाइन आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो हम कहेंगे 0.67 एफ सी के, और अपान कर दीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ जब सॉल्व करेंगे 0.446 एफ सी के आता है। बताइए कितना आएगा डिजाइन स्ट्रेस, 0.446 एफ सी के, अर्थात कहीं कहीं पर ये आपका कुछ इस प्रकार से भी ले। हाँ तो आप लोगों का वीडियो थोड़ा कट गया था, ठीक है, वही हम देख रहे हैं क्या क्या देख रहे हैं। हम बात किए थे सबसे पहले ठीक है एफ वाई टी की, और इसका जो मान आया था वो आपका आया था एफ वाई अपान, ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वो आया था 0.87 एफ वाई, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने बात किया था कंक्रीट के लिए, जब तो कंक्रीट के लिए भी कुछ आपने निकाला, ठीक है, इसके लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने लिया था 0.67 एफ सी के, ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था, ठीक है, वो कहाँ से निकाला गया था, ठीक है, एफ सी के पान 1.5 निकालने कोई तरीका नहीं है, ये आई एस कोड ने निर्धारित किया है, ठीक है, कि जो भी ले जाएगा वो 0.67 एफ सी के ले जाता है। जब इसको हम एफ ठीक है सी के डी की हम बात करते हैं, अर्थात हम कहेंगे क्या डिजाइन स्ट्रेस की बात करते हैं, तो ये डिजाइन स्ट्रेस आपका आता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, क्या करेंगे आप हम भाग कर देते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से भाग करेंगे 1.5 से, या तो आपका 0.446 एफसी के, बता रहे क्लियर हुआ यहाँ से। अब यहाँ से बात करेंगे कि यही एफसी के डी आपका लेके जो आता है वो आता है 0.45 एफसी के, क्लियर हुआ। अब देखो ये हमारा क्या है डिजाइन, ये आपका क्या है डिजाइन स्ट्रेस इन कंक्रीट, जबकि ये आपका क्या है ठीक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, ठीक है, और ये आपका क्या है ठीक है डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील, और ये हमारा कितना लेता है 0.87 एफ वाई, बता दें क्लियर हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो आपका है डिजाइन स्ट्रेस इन कंक्रीट वर्किंग स्ट्रेस में, ये आप क्या मान लेते हैं सिग्मा के जी, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील यही आप वर्किंग स्ट्रेस में क्या मान लेते हैं सिग्मा तो हमने आज जो पढ़ा है इसमें कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस में भी उठते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कल